हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मतलब एसएसबी इंटरव्यूज के लिए कौन कौन सी जो बुक्स हैं विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग द एसएसबी इंटरव्यू। एंड इन दिस वीडियो आई टेल यू कि भाई आपको इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करनी है फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन फॉर द सीडीएसई 2023 एग्जामिनेशन, एंड ऑल्सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एनडीए एस्पिरेंट्स एनडीए 2023 एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको फुल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, वीडियो को आपको पूरा देखना है टू क्लियर द इंग्लिश पोर्शन फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन एनडीए एंड सीडीएस। तो देखो, अगर मैं आपको सीडीएस एग्जाम की बात करूँ ना, तो उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, वहीं 120 क्वेश्चन सॉरी 120 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, वहीं उनके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं। और वहीं अगर मैं एनडीए की बात करूँ तो उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं जीएटी के, वहाँ 50 जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं इंग्लिश पेपर के, ठीक है ना। इंग्लिश के क्वेश्चन 50 होते हैं। और इंग्लिश जो एक ऐसा पोर्शन है जो कि हाईली स्कोरिंग टॉपिक होता है, हाईली स्कोरिंग पेपर होता है आपका सीडीएसई में स्पेशली, क्योंकि उसमें अलग से पेपर आता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप आसानी से 70-80 मार्क्स आराम से मतलब ला सकते हो पेपर के अंदर 100 में से। और मतलब बहुत ही ज़्यादा हाईली स्कोरिंग टॉपिक है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इंग्लिश पर। और इसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि जब पेपर के जो है ना सीडीएसई के और एनडीए के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है पीवाईक्यूज, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। नंबर वन पर आपकी वोकैबुलरी है, उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है, पीवाईक्यूज देखने हैं। पीवाईक्यू से ही आपका 90% काम हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते क्या है कि भाई वो नए नए वो कैप्स जो है कहीं कहीं से पढ़ते रहते हैं, कोई बुक ले लेते हैं, डिक्शनरी ले लेते हैं, है ना, गूगल से उठा करके पढ़ लेते हैं। उससे फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है जो यूपीएससी बार बार अपने एग्जामिनेशन में पूछती है, और वो आपको मिलेगा एग्जैक्टली जो है पीवाईक्यू के अंदर, ठीक है ना। तो आपको वो कैप जो करनी है वो पीवाईक्यू से करनी है। आपने अगर इतना भी कर लिया ना तो आप आसानी से 70 प्लस स्कोर कर लोगे। और पीवाईक्यू में आपको वो कैप कैसे पढ़नी है, आपको एक एक मान लिया कोई एक क्वेश्चन है ना, इसका सिनोनियम बताओ, तो इसके सिनोनियम के जो ऑप्शन है ना, उन ऑप्शन के भी सिनोनियम एंटोनियम ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको, तब जाके आपकी वो कैप जो है अच्छे से कवर हो पाएगी फॉर द सीडीएस। एट द सेम टाइम एनडीए वाले भी सेम जो है पैटर्न फॉलो करेंगे। और अगर मैं सेकंड चीज़ बात करूँ तो जो आपकी सेकंड चीज़ पर नंबर आती है ना, वो है आपकी ग्रामर पोर्शन। ओके, तो ग्रामर के जो रूल्स हैं आपको पढ़ने हैं और उसकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करने हैं। सबसे पहली चीज़ आपको पीवाईक्यूज पर ध्यान देना है, कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से जैसे कि है ना, बहुत सारे रूल्स होते हैं इंग्लिश में जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, बट वी फॉरगेट इन द एग्जामिनेशन इटसेल्फ। बहुत आसान रूल्स होते हैं, है ना, इट और इट्स में अंतर बताओ, है ना। एक इट्स होता है जिसमें ऊपर की ओर जो है कॉमा लगा हुआ होता है ना, उस इन दोनों में अंतर क्या होता है, एक इट्स होता है आईटीएस, इन दोनों में जो है डिफरेंस। तो ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमको पता नहीं होती। वहीं अगर हम बुक्स की बात करें, कौन कौन सी बुक्स आपको जो है लेनी है फॉर रीडिंग दी रूल्स ऑफ ग्रामर फॉर सीडीएसई एंड एनडीए, आपको सबसे पहली बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है अरिहंत की एसपी बख्शी, सबसे अच्छी बुक है ग्रामर की। बट इसमें थोड़ा सा लेवल हाई है, अगर हम एनडीए वालों की बात करें वो थोड़ा सा उनको मुश्किल पड़ सकती है इस बुक को रीड करने में और मतलब रूल्स को लर्न करने में। तो जो सबसे आसान बुक है और बेसिक जो आपके कंसेप्ट्स क्लियर करेगी फॉर दी ग्रामर रूल्स फॉर दी सी डी एस सी एंड एनडीए, वो है नीतू सिंह की आपकी ग्रामर की बुक, है ना। उसके बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं, 3 वॉल्यूम्स आई थिंक, उसमें से आप पहला वाला जो वॉल्यूम है वो पढ़ लेना, सेकंड ले सकते हो, थर्ड की जरूरत नहीं है, उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल दे रखा है। तो पहला और दूसरा जो वॉल्यूम है आप उनमें से किसी एक को पढ़ सकते हो, है ना। अच्छी बुक है, बहुत बेसिक से समझाया हुआ है सारे ग्रामर्स के रूल्स। और थर्ड मैंने आपको पीवाईक्यूज जो है बता ही दिए हैं। और अगर मैं बात करूँ और चीज़ आप क्या फॉलो कर सकते हो, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीचेस हो गए, है ना, ये सब चीज़ें मैं आपको मेरे चैनल पे भी कवर करूँगा आने वाले टाइम में। एक दो दिन में मैं एक आध वीडियो लेके आऊँगा ग्रामर्स के ऊपर, ग्रामर्स के रूल्स कराऊँगा आपको, है ना। तो आपको उनके नोट्स भी बनाने हैं जो मैं कराऊँगा और जो कि इन बुक से आप रीड करोगे, है ना। इंग्लिश के सेपरेट नोट्स बनाने हैं फॉर दी ग्रामर पोर्शन ओनली। ओके, ये सब चीज़ें करके आपको क्या होगा ना कि जब आप पेपर के लिए जाओगे उससे एक महीना पहले या फिर 15 दिन पहले, जब भी अगर आप उसकी एक रीडिंग लेना चाहोगे तो आप आसानी से ले सकोगे, है ना। दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जाम टाइम। तो थर्ड जो चीज़ आती है वो है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर को रीड करना है रोज। दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल बिकॉज रीडिंग न्यूज़पेपर इज इटसेल्फ अ वेरी वेरी यू नो बिग थिंग, बिकॉज एट द सेम टाइम आप करंट अफेयर्स भी कवर होती रहेगी, है ना। धीरे धीरे आप जो है आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन सही हो जाएगी और आपकी जो है स्पीड बढ़ जाएगी जब आप पेपर में बैठोगे। और कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, और कॉम्प्रिहेंशन जब आप पैसेज जो है पढ़ोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और आप जो काम आप 2 मिनट में करते हो वो आप 50 सेकंड के अंदर कर लोगे और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। क्योंकि पैसेजेस में जो आंसर होते हैं उसी के अंदर छुपे हुए होते हैं क्वेश्चन के, और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो कि मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताना चाहता था। अगर आप और ज़्यादा वीडियोस चाहते हो फॉर दी मैथमेटिक्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जीके, जो भी मतलब चीज़ें आती है इन दी सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन, तो आप चैनल को फॉलो करते रहना, और जो भी चीज़ें आपके डाउट्स हों वो कमेंट में जरूर बताना। बाकी शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।